नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग क्या है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस करा है। तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह लाया गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि योजना आयोग क्या था। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के मुख्य दो कार्य थे, एक तो था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और दूसरा था राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना, मतलब पैसों का बंटवारा करना। पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो आखिरी योजना थी वो थी 12वें नंबर की, जो 2012 से 17 तक थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो ये तो था योजना आयोग। अब नीति आयोग देखते हैं। नीति आयोग ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति के फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति की फुल फॉर्म क्या है। तो ने एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, फोर टी से ट्रांसफॉर्मिंग और आई से इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। योजना आयोग क्या था? सरकार के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, इसके अलावा पैसों का बंटवारा करता था। जबकि नीति आयोग क्या करेगा? अब सिर्फ सलाह के रूप में काम करेगा। आप ऐसा कह सकते हो कि अब नीति आयोग सलाहकार आयोग के रूप में काम करेगा, सिर्फ सलाह देने का काम करेगा ये सरकार को। केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक और तकनीकी सलाह देगा। तो सलाहकार निकाय हम इसको कह सकते हैं। अब इसका काम होगा सिर्फ सलाह देना। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसी तरह से हमने पहले पढ़ा था कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। तो अब नीति आयोग की संरचना के बारे में देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। इसमें होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनके हो गए अध्यक्ष। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। फिर आते हैं उपाध्यक्ष। वर्तमान उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट पर। अगर सवाल आता है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो अरविंद पनगड़िया। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो गुलजारी लाल नंदा। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है अमिताभ कांत। इसके अलावा इसमें पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और राधा मोहन सिंह पदेन सदस्यों में हैं। और विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्यों में जो हैं उनके नाम बता देता हूँ, नितिन गडकरी, स्मृति इनारी, थावरचंद गहलोत, ये सब विशेष आमंत्रित सदस्यों में से हैं। नीति आयोग की विशेषता ये है कि इस बार इन्होंने इसमें गवर्निंग काउंसिल को जोड़ा है, जो सबसे बड़ा बदलाव है नीति आयोग के अंदर। तो इसमें इन्होंने ये करा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी उपाध्यक्ष सॉरी उपराज्यपालों को इसमें शामिल कराए, जिससे जो भी योजना बने उस पर वो अपनी सलाह दे सके राज्यों के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा बदलाव यही है इसमें कि इसमें अधिशासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल को जोड़ा गया है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र शासित प्रदेश के एलजी होंगे। तो जैसे योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और पैसों का बंटवारा करना, जबकि अब नीति आयोग का काम होगा सिर्फ ये सलाह देगा, पैसों का बंटवारा वित्त आयोग करेगा, वित्त मंत्रालय करेगा। तो ये था नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।